चलिए अब बात करते हैं एक बार फिर से ज्ञानवापी की जुमे की नमाज को लेकर। पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। प्रमुख मस्जिदों में कड़ी की गई है सुरक्षा व्यवस्था। सभी जिलों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का पूरा मामला है। मुस्लिम समाज ने वाराणसी बंद का ऐलान किया है। आज वाराणसी में मुस्लिम इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी। जुमे के दिन शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने की अपील भी की गई है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने बंद का ऐलान किया है। पूजा पाठ के विरोध में ये बंद बुलाया गया है। मुस्लिम इलाकों में सुरक्षा का कड़ा पहरा नजर आ रहा है। तो तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मिलने के बाद मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है और इसी के चलते एक तरफ हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है इस मामले पर। इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी के बाहुल्य इलाकों में बंद का ऐलान किया है, लेकिन इसका असर पूरे यूपी में नजर आ रहा है और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। खास तौर पर मस्जिदों के बाहर विशेष तैनाती की गई है पुलिस जवानों की। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुरादाबाद से आकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहारनपुर से नीना जैन हमारे साथ जुड़ी हुई है और नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वाराणसी का रुख करते हैं। नीतीश, वहां से क्या तस्वीरें हैं आपके पास, क्या अपडेट्स? तस्वीरें दिखाऊंगा लेकिन लोगों से पहले बातचीत कर लेते हैं कि आखिर इनका रिएक्शन क्या है, जो माहौल है वो किस तरह का। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, तहखाने में पूजा पाठ जारी है व्यास जी के। आप लोग अंदर से होकर आए, माहौल कैसा? नहीं, अंदर का माहौल बिल्कुल शांत है और हमने बड़े आराम से पूजा की है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और अंदर किसी तरह की कोई भी इस तरह की डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी तरह का अशांति भाव नहीं है, बिल्कुल शांत वातावरण में और दर्शन हो रहे, हर यात्री वहाँ दर्शन कर रहा। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है लेकिन जो तहखाने में पूजा हो रही है और मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है, हिंदू समाज क्या कह रहा है, जो सनातनी समाज है वो क्या? सनातनी समाज के लिए अच्छा है और दर्शन कर रहे हैं, अच्छे से दर्शन चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं वो बहुत अच्छे से विश्वनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और जो अभी तक खाने में दर्शन हो वो भी अच्छे से दर्शन हो रहा है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आप सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज मीडिया को चौक थाने के पास रोक दिया गया है और आपसे थोड़ी दूरी पर आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का पॉइंट बनाया गया है और यहाँ पर जीओ लेवल के अधिकारी, इसके साथ जो अन्य अधिकारी हैं, पुलिस का महकमा है, यह पूरी तरह से सक्रिय आपको दिखाई देगा। और यहाँ से कुछ दूरी पर आपको ज्ञानवापी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता था। और दूसरी तस्वीर आपको जो हम बात कर रहे हैं दाल मंडी की, आप देखिए ये दाल मंडी है और दाल मंडी के बाहर भी सुरक्षा का कड़ा घेरा है। आप देखिए यहाँ पर पीएसए के जवानों की तैनाती है और यहाँ पर ये बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया है और ये दाल मंडी है। आमतौर पर इस समय में यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, हालत ये होती है कि जैसे तैसे लोग यहाँ से निकलते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर दुकानें बंद हैं और यहाँ पर ताले लगे हुए हैं दुकानों में। ये देखिए आपको हर एक दुकान बंद दिखाई देगी और यहाँ पर जो दुकानें हैं उनमें ताले लगे हुए हैं। पूरी दाल मंडी की गली आपको सन्नाटे में दिखाई देगी, पूरी दाल मंडी को बंद किया गया है। जिस तरह से चर्चाएं थी कि आज बहुतायत संख्या में मुस्लिम वर्ग यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए पहुंच सकता है, उसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और इसलिए फिलहाल बंद का आह्वान यहाँ किया गया था और दुकानें बंद नजर आ रही है। आप बने रहिएगा नीतीश, वापस आएंगे आपके पास। और मुरादाबाद चलते हैं, आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए। आकाश, जिस तरीके से वाराणसी में असर हम देख रहे हैं इस बंद का, दुकानें बंद है, मुरादाबाद में क्या फिलहाल तस्वीरें वहां से, क्योंकि इसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रदेश के बड़े अधिकारियों पर भी है और हर तरफ चाक चौबंद नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से आज पूरा अलर्ट बताया गया है इसको लेकर के जगह जगह जो है सुरक्षा व्यवस्था भी करी जा रही है। कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद है, इस पूरे मामले में बातचीत भी कर लेते हैं। ये बताएं, जिस तरह से व्यास तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार जो दिया गया ज्ञानवापी में, इसको लेकर के आपका क्या कहना? देखिए, हमारा कहना है कि जितने भी समुदाय के लोग हैं उसमें कोई भी ऐसा माहौल खराब ना हो, ऐसा शांतिप्रिय ढंग से जो है एक संदेश दें कि कोई भी किसी समुदाय का लोग उस माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। मोहब्बत के साथ एक पैगाम जाना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जो है पूरे देश में गलत संदेश जाए। आज एक अलर्ट भी करा गया है कि कहीं जुम्मे की नमाज के दौरान कोई माहौल ना बिगड़ जाए, इसको लेकर के भी अलर्ट करा गया है। मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसा कोई माहौल खराब ना हो, जो इससे माहौल हमारे देश का बना हुआ है बहुत अच्छा माहौल बना हुआ, और एक पूरे मुरादाबाद से संदेश जाना चाहिए पूरे देश में कि हम
कोई मोहर खराब ऐसा बना रहे और मोहब्बत का पैगाम यहाँ से जाना चाहिए। सहारनपुर चलते हैं नीना जैन के पास, आकाशा बातचीत जारी रखेगा। नीना जैन हमारे साथ जुड़ी हुई है सहारनपुर से। नीना, वहाँ की जनता क्या सोच रही है, कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? देखिए, हम बताना चाहेंगे, हम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र चौकीसराय नखासा बाजार में हैं इस वक्त, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार धीरे धीरे दुकानें यहाँ पर खुलने लगी हैं और किसी तरह का विरोध यहाँ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप, जो मुस्लिम को आते हैं? जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो बहुत जल्दीबाजी में दिया था और उसके बाद उन्होंने टाइम दिया गया एक हफ्ते के अंदर पूजा का इंतजाम करे, लेकिन वहाँ के सब प्रशासन ने अगले दिन ही सब कुछ वहाँ पूजा शुरू करा दी। तो ये एक किस्म से ऐसा हो रहा है जैसे आनंद फानंद सारा काम हो रहा हो, जो बहुत बड़ा कोई धर्म को खतरा हो रहा है। कोई धर्म को खतरा नहीं है, ये सियासत है। और हर जो पहले लोग उस पर कानून पे बड़ा विश्वास करते थे जुडिशरी पे, लेकिन अब लोगों की भावना कुछ बदल रही है जुडिशरी के बारे में। आपको लगता है यहाँ पे कोई विरोध होगा या शांति प्यार तो हर नहीं करेंगे लोग, विरोध करने से क्या फायदा, सरकार ऐसी सुनती नहीं किसी की, जो विरोध करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन लोगों के दिलों में बड़ा रोष है, बड़ा गम है और बड़ा गुस्सा है। ये जो हो रहा है जाति हो रही है, जुलम हो रहा है और ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे बड़ों ने ये कहा, हमारे उलमाए कराम जो भी हमारे कायद है, कि भाई आप शांति से रहें और सबर का दामनत छोड़े और अल्लाह पर भरोसा रखे। इसीलिए जो है वो विरोध नहीं कर रहे, वरना विरोध तो सबके मन में दुखता है इस चीज का कि भाई ये क्या हो रहा है, सैकड़ों साल बाद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। देश के लिए और बहुत सारे मसाइल थे जिन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ भरमान तो बढ़ी है देश के लिए, जो बहुत खतरनाक है आने वाले वक्त के लिए, और हम इससे बचना चाहिए। मोहब्बत का पैगाम देना चाहेंगे? मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए। पहले अगर हमारे योगी जी हैं एक धर्म गुरु है, उनके साथ एक मुस्लिम गुरु होना चाहिए था, एक ईसाई गुरु होना चाहिए था और एक सिख धर्म गुरु उनके साथ अगर साथ चलता। वापस आते हैं आपके पास और नीतीश के पास एक बार फिर से चलते हैं। नीतीश, आज क्योंकि पूरा मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका है, सिंगल बेंच इस पर सुनवाई करेगी, कितने बजे ये सुनवाई शुरू होगी? 10 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है हाईकोर्ट में सुनवाई का, और देखना यह होगा कि कोर्ट इस मामले को लेकर क्या फैसला देता है। अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष अपनी बात कह रहा है और पूजा को रुकवाने की मांग कर रहा है, वहीं अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष भी अपना पक्ष रख रहा है और साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि हमें भी सुने तब उसके बाद ये फैसला दें, कुछ भी अगर समझ में आए। लेकिन आपको बता दें कि जो हिंदू पक्ष है उसका दावा इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बड़ा है। बड़ा इस आधार पर है कि जब पूजा रोकी गई थी 1993 के बाद, जब यह पूजा रोकी गई थी तो कोई भी लिखित तौर पर उसके प्रमाण सामने नहीं है कि इसके कोई लिखित आदेश है कि पूजा को बैरिकेटिंग कराकर रोक दिया गया था। अब कोर्ट ने इस मामले पर जिला अदालत ने आदेश दिया और आदेश देने के बाद एक बार पूजा शुरू कराई गई। पूजा शुरू होने के बाद तमाम तरह की बातें शुरू हुई, कानाफूसी शुरू हो, और अब मुस्लिम समुदाय से आदेश सामने आया और मुस्लिम पक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, वापस आएंगे आपके पास। उधर वाराणसी